the first mass murdering. I think this is just the start. आगे भी बहुत सारी हत्याएं होंगी. हम लोग कोई क्रिमिनल्स नहीं है, प्लीज एटलीस्ट टॉक टू अस. जब तक कोई सुनवाई नहीं होगी तो हम छोड़ के कैसे जा सकते हैं? तो सुनवाई जब तक नहीं होगी हम यहीं पे हैं. वी वॉन्ट जस्टिस, हमें न्याय चाहिए. ये गुहार है उन होनहार बच्चों की जो अपने घरों से कई मीलों दूर देश की राजधानी दिल्ली में आकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन एक हादसे ने उनका पूरा लक्ष्य बदल कर रख दिया. उन्हें सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिया. उनका भरोसा डगमगा गया है. दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से गई 3 छात्रों की जान ली, बाकी छात्रों में डर पैदा कर दिया है. वो इन कोचिंग सेंटर्स में जाने को तैयार नहीं है, साथ ही अपने साथी छात्रों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं. छात्रों ने एक साथ मिलकर कैंडल मार्च निकाला. अपने हाथों में कैंडल लिए, फोन की फ्लैश लाइट ऑन किए, वे अपने साथियों के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं. इस दौरान ENI से बात करते हुए वो क्या कह रहे हैं सुनिए. This is not the only incident which occurred recently. इससे पहले 3 दिन पहले भी we have lost someone from our fraternity. उनका भी डेथ जो है electrocution के वजह से हुआ था. और reason again negligence of the authorities. पानी बारिश हो रही है, electric shock लगा है, because iron gate के ऊपर खुली नंगी तारें थी जिसके वजह से जो है उसको electrocute हुआ है. So I think ये तो चीजें चलती रहेगी. अगर civic bodies इसके ऊपर अपना कोई जो है action नहीं लेगी तो this is not the first मास मर्डरिंग. आई थिंक दिस इज जस्ट द स्टार्ट. आगे भी बहुत सारी हत्याएं होंगी और ये लोग अपनी चुप्पी बनाए रखेंगे और हम लोग एज अ वल्नरेबल सेक्शन जो एस्पिरेंट्स हैं वो एज अ वल्नरेबल सेक्शन हमेशा सफर करें. सर हम यहाँ पर 10x10 के फ्लैट में रहते हैं जहाँ पे हम 25,000 रुपए पे करते हैं, 2.5 लाख वन टाइम में पे करते हैं. सर हम सारे यहाँ पर मिडिल क्लास है, सिर्फ एक छोटी सी सेफ्टी तक डिमांड नहीं कर सकते. सर जिन 2 छात्राओं की कल मौत हुई है, मर्डर हुआ है एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी की वजह से. सर मैं खुद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टूडेंट हूँ, मैंने कमिटेड ब्यूरोक्रेसी के बारे में सुना था, आज देख लिया ये लोग सुबह हम लोगों को घसीट रहे हैं. हम लोगों की क्या गलती है कि वो पढ़ रहे थे इसलिए मर गए, क्योंकि उनकी बच्चियां पढ़ रही थी तो वो मर गई. उनकी क्या गलती है सर? इवन नोबडी इज हियर टू लिसनिंग टू अस. हम लोगों ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है. हम लोग कोई क्रिमिनल्स नहीं है, प्लीज एटलीस्ट टॉक टू अस. सर हम लोगों की डिमांड है कि सारी अंडरग्राउंड लाइब्रेरी बंद हो जाए. जितनी भी यहाँ 99% सर बेसमेंट लाइब्रेरी है. जितना भी इन्होंने कोचिंग माफिया बना रखा है ये सब चीजें खत्म करें. एजुकेशन को बिजनेस बनाना बंद करें. सर सिंपल सी डिमांड है और हमें सबसे पहले बताएं कि रियल कैजुअलिटीज कितनी हुई है. बच्चों ने देखा यहाँ रात को 8 एम्बुलेंस आई थी, 7 से 8 लोग मरे हैं और ये लोग बोल रहे हैं अभी तक 3 लोग मरे हैं. इवन जो लोग मरे हैं उनके पेरेंट्स सर रात को 3 बजे से RML के बाहर खड़े, उन लोगों को अभी तक उनकी डेड बॉडी तक आइडेंटिफाई नहीं करने दी गई है. उनकी गलती सिर्फ इतनी है दैट वी आर एन एस्पिरेंट. दैट्स इट मैम. हमारी सबसे पहली डिमांड है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना चाहिए. लगभग 24 आवर्स होने वाले आ रहे हैं, अभी तक कहीं से कोई ऑफिशियली कह नहीं रहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है. क्या ये MCD की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या ये राउज आईस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या ये दिल्ली गवर्नमेंट की है? किसकी है? कुछ भी नहीं पता. और इस पूरे जो भी हादसा हुआ है इसमें अभी तक कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो ट्रांसपेरेंसी भी की हमारी डिमांड है. उसके साथ एक डिमांड है कि जो CCTV फुटेज थी अंदर की, हाईटेक लाइब्रेरी है, सबको पता अंदर कैमराज होते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो CCTV फुटेज थी वो सबको साझा किया जाए साथ में. और फिर एक डिमांड है कि FIR की कॉपी, अगर FIR हुई है तो उसकी कॉपी चाहिए, नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है वो. और उसके बाद जो हमारे कंपनसेशन की बात है कि कम से कम हर जो भी डिसीज एक स्टूडेंट है उसका एटलीस्ट 5 CR का हमको उसका कंपनसेशन चाहिए एटलीस्ट. और उसके बाद अभी तक जो भी लोग डिसीज है ना उनके नाम आए हैं ना कोई एग्जैक्ट नंबर आया, तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी. तो ये हमारे कुछ फंडामेंटल डिमांड्स हैं. यस मैम. मतलब जब तक कोई सुनवाई नहीं होगी तो हम छोड़ के कैसे जा सकते हैं? तो सुनवाई जब तक नहीं होगी हम यहीं पे हैं. हमने ये भी देखा कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आ रहे हैं, अगर शामिल भी हो रहे हैं तो आप लोग उनको मना कर रहे हैं, क्या वजह है? मैम पॉलिटिक्स में मान ली फॉर सपोज ए पार्टी का आता है तो फिर बोलेगा बी वाला वहां पे आ रहा है, ए बी आएगा बोलेगा ए है, तो फिर पॉलिटिकल मुद्दा हो जाएगा, हमारी बात से डाइग्रेस कर जाएंगे, तो हम नहीं चाहते. हमें इस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं. वहीं NSUI नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया भी छात्रों के साथ सड़कों पर उतरा है.
NHUI के अध्यक्ष ने बच्चों के साथ इस न्याय मार्च का साथ देते हुए न्याय की मांग की। था अभी मैं उन बच्चों के पेरेंट्स से भी मिलके आ रहा हूँ जो अभी दिल्ली पहुंचे आरएमएल हॉस्पिटल में, उन्होंने डेड बॉडी देखी और शोक में है कि कल हमारी बच्चे से बात हुई थी दोपहर में, शाम को रात को मैं पता चला कि ये दर्दनाक मौत हो गई। मैं इसको मौत नहीं मर्डर का नाम दूंगा। दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा कई सालों से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार पोस्टिंग को लेकर बहुत झगड़ा करती है। जब पोस्टिंग को लेकर झगड़ा करते हो तो आ जाती है कि आज आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जिम्मेदारी लो और अपनी पोस्ट से रिजाइन करो। जब आप क्रेडिट तो लेना चाहते हैं लेकिन जब बात आई जिम्मेदारी लेने की आप उससे भाग उठे हैं। कहीं ना कहीं मैं दोनों बीजेपी को भी और आम आदमी पार्टी दोनों को दोषी मानता हूं कि आज तुम्हारे झगड़े की वजह से दिल्ली की सड़कों पर बच्चा मजबूर हो गया। आज कोचिंग में बच्चा डर रहा है जाने से, आज हॉस्टल में बच्चा डर रहा है। तुम्हारी इमीडिएटली मांग है केंद्र सरकार से भी दिल्ली सरकार से भी कि इसके पीछे के जो आरोपी हैं, आरोपी अधिकारी के साथ साथ मेयर पार्षद एमएलए भी हैं, उन सबको रिजाइन करना चाहिए। सांसद जी जो बार बार बयान दे रही थी कि एनडीआरएफ की टीम के साथ हम खड़े हैं, उनको बयान की बजाय जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सख्ती से अभी तक बरतना चाहिए। तो 2 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए तीनों परिवार वालों को और खास तौर पर दिल्ली के अंदर जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं और जितने पीजी हैं दिल्ली के अंदर सबकी जांच कराई जाए इमीडिएटली 48 आवर्स के अंदर, उसके बाद बच्चों के अंदर से डर निकलेगा। और अपनी राजनीति रोटी सेकने की बजाय जिम्मेदारी ले। और आपको पता है जिम्मेदार कौन है? क्या दुर्गेश पाठक जी को नहीं पता था कि मॉनसून सेशन शुरू हो गया? क्या शैली जी को नहीं पता था मॉनसून सेशन शुरू हो गया? वो मॉनसून सेशन पर उनका ध्यान नहीं था, उनका ध्यान कहीं और था। उनका ध्यान था कि हम ट्रांसफर पोस्टिंग दिल्ली में करा ले। अगर ट्रांसफर पोस्टिंग से ध्यान हटता तो आज दिल्ली के सीवर साफ करा रहे होते इनके सांसद और काउंसलर और जो एमएलए हैं ना, और अगर ये सीवर साफ हुए होते, अधिकारी ढंग से काम हुए होते तो आज जो 3 UPSC एस्पिरेंट्स थे, जो 3 होनहार बच्चे थे, वो आने वाले भविष्य में UPSC एस्पिरेंट बनकर IAS बन रहे होते, ना कि उनकी हत्या कर दी होती। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।